डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू द पोएम नो मैन आर फॉरेन, कंपोज बाई ए वेल नोन पोएट जेम्स केकअप। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड हिज sentimental feelings to advise the people to love whole human being as there is only one race which is human being and there is no difference between the people of different countries. They have take same type of air to breathe. They have same organs in the body. So everybody should have good feelings of brotherhood and affection to each other without having any distinguishing feelings. In the previous video, dear students, I taught you the first two opening stanza. I am continuing the third stanza. Remember, they have eyes. याद रखिए, हर व्यक्ति की, प्रत्येक सभी की आँखें होती हैं. Like our that wakes, और सभी हमारी तरह ही जागते हैं, वेक्स वन जागते हैं और स्लीप थवा सोते हैं. एंड स्टैंड दैट कैन बी वन, और याद रखिए कि स्टैंड दैट कैन बी वन बाई लव, कि शक्ति को प्यार के द्वारा ही जीता जा सकता है, प्रेम के द्वारा ही शक्ति जीती जा सकती है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, सभी देशों में कॉमन लाइफ माने एक जैसा ही जीवन है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और उस जीवन को, दैट मीन्स उस जीवन को ऑल कैन रिकॉग्नाइज, सभी जानते हैं एंड अंडरस्टैंड, और उस जीवन के महत्व को भी समझते हैं. नेक्स्ट, लेट अस रिमेंबर Whenever we are told to hate our brothers, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हमसे ये कहा जाता है कि to hate our brothers, कि अपने भाइयों से नफरत करने के लिए, it is ourselves, तो हम स्वयं ही होते हैं that we shall dispose with the condemn, कि हम नफरत करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनसे उनकी आलोचनाएँ करते हैं. Remember we who takes arms against each other, हमें हम हमेशा ये याद रखें कि हम उनका तिरस्कार न करें. अगर तिरस्कार करते हैं तो हम अपने साथ तिरस्कार करते हैं, विश्वासघात करते हैं. इसलिए हमें अपने भाई बंधुओं के प्रति प्रेम और सद्भाव का सद्भावपूर्ण विचारधारा रखनी चाहिए. नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टंजा, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. ह्यूमन अर्थ मीन्स ये पृथ्वी, ये संसार ही है दैट वी डिफाइल, जिसको कि हम डिफाइल मीन्स प्रदूषित करते हैं. आवर हेल्स ऑफ फायर, इसको प्रदूषित करते हैं. और हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर मीन्स होता है युद्ध की अग्नि से. बहुत से लोग एक दूसरे से नफरत करके युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, तो हेल्स ऑफ फायर जो है युद्ध की अग्नि से उसको प्रदूषित करते हैं. एंड आउटरेज द इनोसेंस, और इससे संपूर्ण मानवता धूमिल होती है, गंदी होती है. ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर अवर ओन,
और जो हवा जिससे हम सांस लेते हैं पूरे वायुमंडल की एक जैसी ही हवा है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, एक जैसी हवा, हम सब लोग एक जैसे सांस लेते हैं, एक जैसा जीवन है सबका। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि नो मैन आर ह्यूमन, कि कोई आदमी विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंजर, और ना ही कोई देश अजनबी है। तो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, द पोइट हैज़ एडवाइज्ड अस टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू लव वन अनदर विदाउट हैविंग एनी हेट्रेड एंड सेल्फिश टेंडेंसीज टू वन अनदर, बट everybody should have good feelings of brotherhood, affection, because human being can be protected by having good feelings towards one another. In the next video, central idea and some other questions will be told you. Till then, goodbye. Have a nice day.